हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फाइव स्टार ट्रैवलर। इस वक्त मैं हूँ मद्रास में, जो अब कहा जाता है चेन्नई में, और यहाँ मैं हूँ दो दिन के लिए और मैं चेन्नई को करने वाली हूँ एक्सप्लोर। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पुराने मंदिर कपालेश्वर टेंपल में, कपालेश्वर मंदिर अगर आप आए तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये मंदिर 12:30 से 4:30 बजे तक बंद रहता है हर दिन। वक्त मैं आ चुकी हूँ कपालेश्वर टेंपल। ये है चेन्नई का सबसे पुराना मंदिर। ये देखिए मेरे पीछे जो भगवान की मूर्ति है, शिव भगवान का मंदिर है, भगवान की मूर्ति है। वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ मंदिर के बाहर आप यहाँ आ सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। ये मंदिर को 7th सेंचुरी में, जब पल्लव डायनेस्टी थी, पल्लवों का राज था यहाँ पर, तब बनाया गया था। फिर 14th सेंचुरी में कहा जाता है कि पोर्टुगीज के टाइम में ख़राब हो गया था, कि उन लोगों ने ख़राब कर दिया था। उसके बाद में 16th सेंचुरी में इसे वापस बनाया गया। दर्शन मेरे हो गए हैं बहुत अच्छे से, और मंदिर के बाजू में ही एक है मायलापुर फिल्टर कॉफ़ी। ये शॉप पर मैं आई हूँ। कहते हैं कि साउथ में आओ आप तो फिल्टर कॉफ़ी तो ट्राई करना ही चाहिए, तो फिल्टर कॉफ़ी मैंने ऑर्डर दे दिया है। बाद अब मैं जा रही हूँ लंच करने। मंदिर के पास एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है होटल सरवना भवन, तो वहाँ पर मैं खाने वाली हूँ साउथ इंडियन थाली। यहाँ पर अगर आपको थाली खाना है, प्रॉपर साउथ इंडियन थाली खाना है, तो वो सिर्फ लंच में आपको मिलेगी। बाकी जो इडली डोसा है दिन भर, वो कभी भी मिलेगा आपको 24 आवर्स, लेकिन लंच की जो स्पेशल थाली रहती है वो सिर्फ आपको लंच के टाइम में मिलेगी, डिनर के लिए नहीं मिलेगी। मैं ऑर्डर कर रही हूँ यहाँ पर। मैंने रेस्टोरेंट्स की खास बात देखी है कि ये लोग टाइम लिख देते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम यही मिलेगा, तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होता है। ये देखिए, जैसे है ब्रेकफास्ट है तो 6 से 10:30 सिर्फ यही मिलेगा, 11 से 4 यही मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। सांभर, ओके सांभर, रसम, रसम, पुरियल, पुरियल, वत्त कोलंबु, वत्त कोलंबु, पर्प पुड़ी, नहीं घी, ओके, थर्ड, थर्ड, स्वीट, புட்டு, ஓகே, दाल, वड़ा, चपाती, राइस, அப்பள, and this is also gun powder, gun powder, gun powder, பருப்பு பொடி, பருப்பு பொடி, ghee, பருப்பு பொடி, ஓகே, thank you.
वक्त मैं आ चुकी हूँ सेंट थॉमस चर्च चेन्नई के, और यहाँ पर सेंट थॉमस की जो टोम है वो अभी भी है इस वक्त। और ये चर्च बहुत पुराना है, 16th century में इसे बनाया गया था। पोर्टुगीज स्टाइल का है ये, और पोर्टुगीज लोगों ने ही बनाया था। इस वक्त मैं आ चुकी हूँ कॉर्नेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। ये चेन्नई की एक बहुत फेमस लाइब्रेरी है, क्योंकि ये नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है जो कि इंडिया में सिर्फ चार है, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, कलकत्ता में, और एक यहाँ चेन्नई में। तो नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी वही होती है जो आज तक जो भी बुक पब्लिश हुई है, जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश हुए हैं, और जो भी पब्लिकेशन पब्लिश हुए हैं, उसकी एक कॉपी ये चारों लाइब्रेरी में भेजी जाती है। तो ये लाइब्रेरी के बाजू में ही है गवर्नमेंट म्यूज़ियम, जिसे नेशनल आर्ट गैलरी या फिर मद्रास म्यूज़ियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये म्यूज़ियम की टिकट है, सिर्फ 15 रुपये लगेंगे आपको, और आप म्यूज़ियम बहुत सुंदर है बाहर आर्किटेक्चर म्यूज़ियम का वो देख पाएंगे, और अंदर से भी देख पाएंगे। ये म्यूज़ियम है, और ये म्यूज़ियम के जस्ट बाजू में चिल्ड्रंस म्यूज़ियम है, तो चाहें तो यहाँ भी जा सकते हैं आप, लेकिन अभी मैं सिर्फ यहाँ जा रही हूँ। இதே கட் பண்ணனுமா? யா ফুল பீஸ் ஆவா. ஓகே யா திஸ் இஸ் ஹவ் மச்? 100. ஓ ஓகே தென் திஸ் 20. வாங்க சீ சுண்ணோ. तो अभी मैं आ चुकी हूँ चेन्नई के लाइट हाउस में। मरीना बीच से बहुत पास है ये चेन्नई का लाइट हाउस, और ऊपर से बहुत शानदार व्यू दिखता है, इसलिए मैं आई हूँ। 20 रुपये लगे हैं मुझे यहाँ की टिकट के, और मेरे पास ये कैमरा है गोप्रो, तो इसके 25 रुपये अलग से मैंने दिए हैं। अगर आपके पास कैमरा नहीं है, मोबाइल से कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ कैमरे का लेंगे। अब लिफ्ट से चलते हैं ऊपर। ठीक है, कैमरा YouTube channel. YouTube. You want? Yeah, thank you. No. No, have it. Thank you. Light house के सबसे ऊपर का व्यू ये देखिए, पूरे चेन्नई शहर का व्यू दिख रहा है, और ये सामने मरीना बीच। ये व्यूइंग गैलरी। पूछेंगे कि आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो मैं कहूँगी आना चाहिए। अगर आप मरीना बीच के पास हैं तो बिल्कुल आना चाहिए, काफ़ी सुंदर व्यू है ऊपर से चेन्नई शहर का, मरीना बीच का फोटो वर्दी स्पॉट है, तो आ सकते हैं यहाँ पे। यू वांट टू से हेलो? हेलो हेलो वणक्कम। हेलो वणक्कम। वड़कम दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट बीच पे, जो कि है मरीना बीच।
चीज़ें यहाँ कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया, फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ्स घूम रहे हैं। और मैंने यहाँ गजरा भी ख़रीदा है, पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने गजरा भी ख़रीदा, 50 रुपीज़ का लगाया है। तो चेन्नई में अगर आप आते हैं तो बालों में गजरा ज़रूर लगाएं, यहाँ का ट्रेडिशन है और बहुत अच्छा भी लगता है, फ्रेश फ्लावर्स, फ्रेश मोगरे का गजरा। मरीना बीच के बिल्कुल सामने ही है स्वामी विवेकानंद हाउस। स्वामी विवेकानंद चेन्नई आए थे, 6 हफ्तों के लिए यहाँ रुके थे, तो इसी घर को अब उन्होंने बना दिया हेरिटेज म्यूजियम। तो चले चलते अंदर। तो अभी मैं आ चुकी हूँ फोर्ट सेंट जॉर्ज। जब 1600 में ब्रिटिश यहाँ आए थे तब उनको कमर्शियलाइजेशन के लिए और ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए उन्होंने एक ज़मीन खरीदी और इस ज़मीन पे ये जो है फोर्ट बनाया। तो उस जिस दिन ये फोर्ट कंप्लीट हुआ उस दिन जॉर्ज डे था, सेंट जॉर्ज डे, इसलिए इस फोर्ट का नाम पड़ गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। आज भी इस बिल्डिंग में कुछ एरिया में गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं और कुछ एरिया लोगों के लिए विजिट करने के लिए म्यूज़ियम के रूप में बना दिया गया है। तो चलिए चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। सेंट जॉर्ज फोर्ट के कैंपस के अंदर ही है सेंट मैरी चर्च। ये चर्च एशिया का सबसे पुराना चर्च है, ये भी 1600 में ही बनाया गया था।